मीटिंग को कंसंट्रेट होने को सुनिएगा। मैं अगले कुछ मिनट तक, 8:43 है, 9:30 तक मैं आपसे बात करने वाला हूं, कंसंट्रेट होइए। अगर भूख लग रही है तो उसको भी थोड़ा सा रोकिए कि भाई रुक, मैं औपचारिकता के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सेलेक्टेड लोगों में से एक हूं, मुझे मैसेज ही आया है जिससे मुझे ही बुलाया गया है, मुझे यहां भीड़ नहीं बुलाई गई है। अगर 12 कैप्टन अपनी पूरी टीम को बिठाते यहां पे, तो मुझे लगता है एक एक कैप्टन के पास 500 लोगों की टीम है और 12×5=6,000 लोगों की मीटिंग हो रही होती। लेकिन 12 कैप्टन ने अपने 5 लोगों को ही इन्वाइट किया है, 10 लोगों को, किसी के पास 4 लोग हैं, मतलब कैप्टन ने अपने प्लेयर्स को तैयार किया है। और ये मीटिंग आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं किया गया है, आपको इसलिए लिया गया है मेरे दोस्त कि आप ट्रेनर बनो, जिससे आप अपने नीचे लोगों को ट्रेन कर सको, और जब ट्रेन द ट्रेनर के ग्रुप में आप शामिल हो चुके हो तो आप भाग्यशाली हो। और जो मीटिंग में आपको, कल की जो मीटिंग थी परेश सर की, उनमें बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटसर्फ के प्लान को कैसे प्रेजेंट किया जाए, नेटसर्फ की टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके पहले प्रोडक्ट के लिए सर ने इतने बढ़िया बढ़िया टिप्स दिए कि आप प्रोडक्ट को सेल कैसे करो, प्रोडक्ट को कैसे बताओ। उससे पहले अगर भगवत सर हैं, चामले सर हैं, उन्होंने, चामले सर, चंदेल सर, श्रीधर सर और वैभव सर ने आपके सारी दुविधाओं को खत्म कर दिया है। बस आज आपको देखना है कि ये सारी जानकारी जो आपको मिली है वो कैसे आगे बढ़ाओ। दोस्तों आज कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के कठपुतली बने हुए हो। कठपुतली का मतलब, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई रूल कर रहा है, किसान भी या फिर बिजनेसमैन भी, आप सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए वर्क कर रहे हो और वो अपने हिसाब से आपसे वो काम करवाता है जिससे वो पैसे वाला बन रहा है, और आप हमेशा ही वही देख रहे हो, मतलब आपका कोई बॉस है। और अगर आपको खुद को बॉस बनाना है तो दोस्तों एक बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जे पॉल गिट्टी की, और इस बुक में इन्होंने बताया है तीन प्रिंसिपल काहे का, बी योर ऑन बॉस, मतलब खुद के बॉस बनो आप। आप जब तक खुद के बॉस नहीं बनोगे, अपने आप को रूल नहीं करोगे, तो आपको कोई ना कोई रूल कर देगा। दोस्तों आपको पता होगा, सुबह सुबह बहुत सारे लोग कुत्ते को घुमाने जाते हैं, कभी आपने देखा कुत्ता आगे आगे और उस रस्सी को पकड़े पकड़े उसका मालिक पीछे पीछे? अब जरा मुझे ये बताओ, कुत्ता आदमी को घुमा रहा है या आदमी कुत्ते को घुमा रहा है? ये सारी चीजों को मैं बात करूं तो ये सारी चीजों में आप, वहां कुत्ता आपका बॉस है। मीटिंग पासवर्ड गलत आ रहा है, पता नहीं, अभी सब लोग तो कनेक्ट हो चुके हैं तो मीटिंग पासवर्ड तो आया सही होगा सर, वो लिंक के थ्रू सही दिख रहा है, लेकिन वो जैसे मीटिंग पासवर्ड डाल रहे हैं ना तो गलत बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, लिंक से ही कनेक्ट करवा लो ना सर, ठीक है ना, अब बीच मीटिंग में अपन नहीं बदल पाएंगे। ओके, तो बी योर ऑन बॉस, अपना खुद का बॉस बनिए। और एक चीज और देखिए, कुछ ऐसा वर्क करिए जिसमें नीड बेस्ड प्रोडक्ट हो, मतलब जैसे हम अब बॉस बन रहे हैं तो नेटसर्फ को हमने सेलेक्ट किया है, तो नेटसर्फ एक नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, और नीड बेस्ड प्रोडक्ट लाइक कार, कार का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमेबल हो, मतलब ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में हमको लेके आना पड़ेगा जो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे किसी को पॉलिसी दे दिया, किसी को घर दे दिया, किसी को जमीन खरीदवा दी, किसी को कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करा दिया, ऐसे प्रोडक्ट जो कंज्यूमेबल हो, जैसे अगर हमारा टूथपेस्ट है तो 20 दिन में खत्म होता है, 25 दिन में खत्म होता है, नेचुरामोर खत्म होता है, सेएफसी खत्म होता है, दोबारा खरीदता है, तो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो। और साथ में ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसे सेल्स में जाना पड़ेगा जो अफोर्डेबल हो, मतलब जो बहुत बड़ा महंगा ना हो, और दूसरा सबसे बड़ी चीज रिसाइकलेबल हो, मतलब बार बार उसकी साइकिल को आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात, थर्ड प्रिंसिपल था जे पॉल गिट्टी का कि मल्टीप्लाई योर टाइम एंड इफर्ट, आप अपने समय को और अपनी ताकत को दुगना करो, आप अपना वर्किंग हैंड बढ़ाओ, मतलब आप अगर बहुत सारे लोगों के साथ काम करोगे तो एक ही काम अगर आपके लिए बहुत सारे लोग मिलके करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप मल्टीपल करते जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है आपके लिए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले खुद का बॉस बनिए। नेटसर्फ ने में आपने अब तक जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में देखा, उसमें अभी नेटसर्फ के प्रमोटर्स के बारे में आप जान चुके हो, क्योंकि इसके बारे में हमें
सबसे पहले श्रीधर सर ने बताया था, उसके बाद कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जान चुके हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आप जान चुके हो, और साथ में कंपनी के प्लान के बारे में और कंपनी का पे आउट सिस्टम क्या है, 15-15 दिन में कैसे मिलता है, ये सारी जानकारी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पे लिया है पिछले 6 दिनों में, अभी 7 दिनों में, तो मतलब 6 दिन का प्रोग्राम है, 7वां प्रोग्राम है इसका। और इसी पूरे श्रृंखला में हमें देखना है कि जब आप मार्केट में आप जाने वाले हो, मार्केट में ये सब आपने मोटिवेट हो गया कि आपको प्लान पता है, प्रोडक्ट पता है, प्रेजेंटेशन पूरी चीजें पती है, अब आप अपने को अपने आप को जाके प्रेजेंट करने वाले हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आपका हुलिया, आपके दिखने के तरीके, आपके बोलने के तरीके में अगर एक रॉयल लुक या एक बिजनेसमैन का लुक नहीं आएगा तो लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे। जरा देखिए, आपका पहनावा बहुत मायने रखता है, आप मत पहनो रोज सूट बूट टाई, लेकिन आप जो भी पहनो बराबर क्रिच हो, साफ सुथरा हो, उसमें गंदी स्मेल ना आ रही हो, क्योंकि ठंड का मौसम है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, आप नहाते भी हो कि नहीं नहाते हो, बहुत तेज ठंडी चल रही है। आपका पहनावा, आपके कपड़े, जूते, बेल्ट, ये सब बहुत बड़ा मायने रखता है। आपका लुक, आपकी सेविंग, आपका परफ्यूम, आपके बालों का स्टाइल, कभी कभी बड़े बड़े लंबे लंबे बाल कान में बाली कर दिया, सामने के 3 बटन खुली है, नीचे का जो पैंट है आजकल स्टाइल चल रही है वो पेंसिल आ गया है, वो ऊपर चढ़ा हुआ है, जूते कैसे हैं, चेहरे में बस ऐसे ही चल दिया आपने मीटिंग करने के लिए, आपने आंखों में कीचड़ भी लगी होगी और आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो। आप जरा सोचो, एक भिखारी को देखो, जरा मैं आपको समझाने लायक नहीं हूं, आपको अपने टीम में ये चीजें रखना है, हो सकता है आप ये करते हो, पर आप अपनी टीम में देखो ऐसा कौन है जो ऐसा नहीं करता है, उसको पकड़ के आपने ध्यान नहीं दिया, आप बिजनेस ला रहे हैं, बिजनेस ला रहा है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि आपकी टीम में कितने लोग हैं। जब आपकी टीम खड़ी हो तो एक अलग लुक दिखना चाहिए, चेहरे की चमक होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं गोरा हो, काला हो, कैसा हो, उसका बॉडी फिजिक परमात्मा ने जो दिया हुआ है वो वैसा रहेगा ही, लेकिन वो बिजनेसमैन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो एक एग्जीक्यूटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बहुत बड़े मायने रखता है। एक उसके बाद सबसे पहले दिखने के साथ साथ आपका लुक, और जैसे कोई भी है सोवर दिखना चाहिए, ऐसा ऑड नहीं दिखना चाहिए, कपड़े भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके पास आपका टूल्स होना चाहिए, जैसे बुक, आपके पास एक बुक, पेन, कभी कभी आप लोग जाते हो वहां पे आपके पास पेन ही नहीं रहता, आपके पास कोई डायरी या डेमो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी डेमो करने के लिए होना चाहिए, या फिर कभी रिजल्ट आ जाए आपको प्लान देते समय ऐसे बहुत प्रोडक्टों के रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे तो उसके वीडियोस आपके सेलेक्टेड फोल्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि खोजने लगे इतने सारे फोटो वीडियो गैलरी में आ गया, अब आपको जो काम का वीडियो है वो दिख ही नहीं रहा है, तो आपको अपनी गैलरी में वीडियो की फोल्डर बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी मीटिंग के बाद तुरंत बना लीजिए। तो आपके पास टूल्स, ये सारी चीज होनी चाहिए। दूसरा, एक अच्छा सा बैग होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए, कोई भी चीज कहीं भी नहीं पड़ना है, एक बढ़िया व्यवस्थित बैग होना चाहिए। अगर हो सके तो लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, आप एग्जीक्यूटिव हो, आप लैपटॉप लेके ही, भले आप लैपटॉप मत खोलो, आपके पास एक फोल्डर है, फोल्डर मत खोलो, लेकिन होना चाहिए, उसको लगना चाहिए यार व्यवस्थित व्यक्ति है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, आप अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर ना करिए, संयमित भाषा का प्रयोग करिए, एकदम उसके सामने ईगो मत दिखाइए, या मतलब ऐसा बनिए मत, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल रहिए, उसको लगना चाहिए आप उसकी रीच में हो, ऐसा नहीं कि यार ये आ गया, क्योंकि सामने वाला भी पता नहीं कुछ हो सकता है। जब भी बात करिए आपके शब्दों का उच्चारण साफ और समझने लायक होना चाहिए। कभी कभी आप एरिया बदलते हो तो आपकी बोली बदल जाती है, सपोज दैट आप मालवी भाषा अक्सर बोलते हो, आप कहीं गए प्लान दे रहे हो मालवी में, निवाड़ी में, बघेली में, बुंदेलखंडी में, आपके बातों में कभी गाली गलौज नहीं आना चाहिए किसी से भी फील्ड में लेते समय, आपके पिच परफेक्ट होना चाहिए। पिच किसे बोलते हैं, कब आपको अपने बात का वैल्यूम बढ़ाना है
और कब आपको आपकी बातों का पिच नीचे करना है, कब आपको एक्साइटमेंट वाली बातें करना है, कब आपको एकदम गम वाली बातें करना है और कब आपको खुशी वाली तरीके से, ये आपको अपनी पिचिंग में लाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये चीज नहीं करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन ही मेन है। पहले लोग आपको देखेंगे फिर प्लान समझेंगे। अगर आप ही नहीं, एक भिखारी को देखो, सुबह उठता है सबसे पहले वह अपने जगह का डिसाइड करता है कि मुझे आज कहाँ बैठ के भीख मांगनी है। उसके बाद वो क्या काम करता है, वहां जाने के पहले अपना ड्रेसअप तैयार करता है। अगर एक भिखारी भिखारी वाला ड्रेस नहीं पहनेगा तो कैसे होगा, वो दयावान होना चाहिए, उसके ऊपर लोगों को दया आनी चाहिए। गंदा फटा चितरा कपड़ा खोजता है वो, अगर नया कपड़ा दे दोगे तो फाड़ देगा वो, उसके किसी काम का नहीं क्योंकि उसके धंधे से नहीं है। फिर जाता है और वो वहां पे एक जगह डिसाइड करता है, मतलब आपको सिस्टम को डिसाइड करता है। उसके बाद वहां बैठता है, बैठने के बाद कटोरा टूल्स रखता है वो अपने पास, कटोरा क्या है, टूल्स है, और कुछ चिल्लर अपनी जेब से निकाल के उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तब जाके वो भीख मांगता है। एक भीख मांगने वाला भी सिस्टमेटिक चल रहा है तब उसको भीख मिल रही है, और हम तो बिजनेस करने जा रहे हैं, हम लोगों को करोड़पति बनाने जा रहे हैं। तो इन चीजों पर आप ध्यान दो और इन चीजों को ध्यान देके आप लोगों को ये डिसाइड करो कि क्या आपकी टीम में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या आपकी टीम में ऐसी सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या ये चीजें फॉलो अप हो रही हैं। अभी यहां भी बैठे हुए हैं लोग, देखिए कोई टी शर्ट पहन के, कोई इनर पहन के, यार आप बिजनेसमैन हो, है ना। आप देखो नेगी सर क्या सूट बूट में पहने हैं, मैं भी एकदम ड्रेसअप में हूं। यहाँ पे देखो आप मराठे सर क्या बढ़िया ड्रेसअप में है। ये जितने भी लोग ड्रेसअप में है, अगर आप सामने ही मत आओ, आप नेटवर्कर हो, आपको दूसरा लोग देख रहा है। यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे दूसरी कंपनियों में टाई मत लगाओ, टाई मत लगाओ सूट, लेकिन जो भी पहनो सही से पहनो और आपके पास सारा टूल्स होना चाहिए, वरना आपकी ओपनिंग ही खराब है। आप नेटवर्क में कभी सफल नहीं हो सकते, नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में दिखना वाला चीज चाहिए। इसीलिए कितना भी नॉलेज ले लो, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका सिस्टम ही नहीं होगा। अब होते हैं अपन बात करते हैं सब्जेक्ट के। जैसे हर चीज में सब्जेक्ट होता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी सब्जेक्ट होता है, और टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। ध्यान से लिखिए, अगर लिख सकते हैं तो उसको नोट करिए, नोट कर सकते नहीं कर सकते तो याद करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 सब्जेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसमें पहला सब्जेक्ट है आपका लिस्टिंग, दूसरा सब्जेक्ट है आपका प्रोस्पेक्टिंग मतलब कैसे, तीसरा सब्जेक्ट है आपका इनविटेशन निमंत्रण देना, चौथा है सौदा प्लान प्लान देने का तरीका, फिर उसके ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपको करने होते हैं, फिर उसके बाद होता है प्लान देने के बाद उनके ऑब्जेक्शन को उनको सेटिस्फाइड करना, फिर फॉलो अप सिस्टम के बाद होता है क्लोजिंग टेक्निक, और उसके बाद होता है इंडक्शन, मतलब उसको वापस अचीवमेंट के लिए इंडक्ट करना, तैयार करना, और फिर डुप्लीकेशन। ये 9 सब्जेक्ट अगर आपने तैयार कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नेटसर्फ में या नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से रोक नहीं सकती। जरा देखो आप कि अगर क्या आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी जो इमारत है वो शुरुआत ही लिस्टिंग से होती है, आपका आराध्य जो है वो शुरुआत ही लिस्टिंग से होती है। पहली का क्लास पढ़ने के बाद ही दूसरी क्लास पढ़ी जाती है, दूसरी क्लास पास होने के बाद ही तीसरी क्लास पढ़ी जाती है, उसके बाद ही सौदा प्लान, उसके बाद ही ऑब्जेक्शन हैंडल, उसके बाद ही फॉलो अप, उसके बाद ही क्लोजिंग, और उसके बाद इंडक्शन होना चाहिए। सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो आप सिस्टम आपको फॉलो नहीं करेगा, सिस्टम को आप फॉलो नहीं करोगे तो सिस्टम आपको फॉलो नहीं करेगा। अभी मेरे साथ यहां पे 95 लोग, मेरे को छोड़ के 94 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग करोड़पति भी हैं। तो मैं ये जानता हूं कि जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है वही चीजें होनी चाहिए। अब अपन डिटेल में देखते हैं 9 बेसिक में पहला सब्जेक्ट क्या है, लिस्टिंग। क्या आपने लिस्ट बनाया? अभी सारे के सारे लोग जितने भी यहां बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाया, कई सारे लोग बोलते हैं अरे सर मेरे दिमाग में लिस्ट है, मैं उधर पकड़ लूंगा इधर पकड़ लूंगा, या फिर वो बोलेंगे मेरे फोन पे लिस्ट है, अरे भाई साहब फोन कहीं गुम गया तो, या फिर आप कहीं आपके दिमाग में कुछ बिचाजे उस समय, क्या इतना तेज दिमाग होता? अरे शादी ब्याह होता है तो भी लिस्ट बनाते हैं, कितने खाने वाले आएंगे, कितने लोग आएंगे, निमंत्रण देते हैं, उस हिसाब से खाना बनता है, उस हिसाब से घर में रहने की व्यवस्था होती है। और यहां तो आप बिजनेस करने जा रहे हो और यही लिस्टिंग आपके लिए
मेन आधार है, मेन रजिस्टर है, यही एक आपका रामचरितमानस है, यही गीता और यही कुरान है, यही ग्रंथ है। लिस्ट नहीं बनाई है तो आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ोगे, और लिस्ट बनाते समय आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लिस्ट में कितने लोग हैं। अभी मैंने एक से बोला भाई साहब लिस्ट बनाओ, उसने 10-20 लोगों का लिस्ट बना दिया, और आप डिसाइड कर रहे हो ये 20 ही लोग करेंगे साहब, बाकी अवनीत सर ये 20 लोग ही करेंगे, ये 20 लोग ले लो। अरे मैं बोलता हूं वो 20 में से 20 भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट ही ऐसी बनाई है। जितना बढ़िया लिस्ट बनाओगे, जितना छोटा लिस्ट बनाओगे ना, उतना चेहरा ज्यादा मायूस हो जाएगा। आप प्री जज कर रहे हो, आप प्री जज कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि भाई साहब कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। नास्त्रेदमस के बाप बन गए हैं आप। कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन करेगा कौन नहीं करेगा? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? क्यों? क्योंकि आपने जिनको डिसाइड किया हो सकता है वो ना करें, और आपकी डिसाइड करने के बाद आप देखते हो भैया ये तो बहुत मोटा पतला आदमी है, ये तो मोटा है पतला है, फील्ड कैसे करेगा, ये तो बार बार बीमार पड़ जाएगा, सर ये नहीं करेगा। दूसरे को आपने देखा भाई साहब इसका तो स्किन काला गोरा सफेद चल रहा है, ये तो करेगा ही नहीं। आपके पास कुछ लोगों की लिस्ट आई, बोले यार ये तो अभी बच्चा है, छोटा है, अभी कम उम्र का, 18-19 साल का है, सर ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। आवाज आ रही नहीं सर आपकी, है ना? म्यूट हो जाए। जी तो आप मतलब प्री जज मत करो। आपके पास कुछ लोग ऐसे आते हैं एकदम काले दिखते, बोलते यार भाई साहब ये तो करेगा ही नहीं। दूसरा कभी बोले यार ये तो बहुत बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा है, कैसे करेगा, इसके तो दिन ही कम है। और किसी को देख के आप बोलते हो भाई साहब ये तो बहुत पैसे वाला है, ये करेगा ही नहीं, और ये मैडम तो दिन भर मेकअप में लगी रहती है, कैसे करेंगी। दोस्तों प्री जज मत करो, भगवान मत बनो, आप लिस्ट बनाओ। लिस्ट में आप जिनको जिनको जानते हो सबको लिखो। ऐसे मैंने 100 बोला यार लिस्ट बना, जिनको जिनको जानता है उन सभी की लिस्ट बना। वो आया लिस्ट 5000 लोगों का लिस्ट बना के, पूरी डायरी भर के आया। उसमें लिखा था सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, महेंद्र सिंह धोनी। अरे मैंने कहा भाई तू ये क्या लिस्ट बनाया? बोले सर आपने बोला था ना कि जिसको जिसको जानता है सबकी लिस्ट बना डाल, मैंने सबकी लिस्ट बना दिया। ऐसे 150 से आने भी आपको मिलेंगे। मैं बोलता हूं, मैंने उसको कहा भाई जिसे तू भी जानता हो उसको लिस्ट में लिया। ऐसा नहीं कि मतलब जिसको तू जानता है उसी को लिस्ट में लिया। मतलब एक बंदा अगर लिस्ट बनाता तो कितना बड़ा लिस्ट होना चाहिए। मतलब इस सिस्टम में ऐसा होता है कि लिस्ट में आप लोग प्री जज करने लगते हो। और कभी कभी आपने देखा ना, अभी एक क्रिकेटर की बात करूं तो इस क्रिकेटर का नाम तो आप जानते ही होगा, वेस्ट इंडीज का है। अरे रात में कोई देख लेना तो बच्चा भाग जाए दोस्तों। लेकिन ये बंदा कितने लंबे लंबे छक्का मारता है और कितना बड़ा प्लेयर है, ये उसके सूरत से नहीं सीरत से। किसी को जज मत करो, सबसे पहले चीज प्री जज मत करो। आपके जान पहचान में आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं। मतलब इसमें कोई कोताही मत करो, क्योंकि ये लिस्ट ही आपकी ग्रंथ है, आपका इतिहास है, आपका भविष्य है। आप सीधे रास्ते से काम करोगे, पहला स्टेप ही आपने पार आज तक नहीं किया या आपने अपनी टीम का नहीं करवाया तो वो आदमी कभी सफल नहीं होगा। अब जरा देखो, सबने पहले पूछा सर लिस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, बिग लिस्ट। क्योंकि छोटी लिस्ट बनोगे तो चेहरा जल्दी मायूस होगा। आप 20 लोगों से मिले, 20 के 20 नाराज हो गए, उसने कहा भाई साहब अब ये काम तो मेरे से हो नहीं सकता, अनिश्चर मेरे के तो जिसका जिसका मैंने बताया प्लान सबने मना कर दिया। आपने 25 लोगों से बात की, 50 लोगों से बात की, जरा सोचो अगर आपके घर में 5 लोग हैं और आप 5 आम लेके आते हो और 5 आम में एक आध दो टेढ़े मेढ़े गले सड़े मिल जाएंगे तो आप उन 5 आमों में ही एडजस्ट करने लगोगे। मतलब अभी जो उसमें देखा गया ना कि आप सही प्रोस्पेक्ट के चक्कर में गलत लोगों को ट्रेंड कर रहे हो, लेकिन अगर आपके घर में एक ट्रक आम आ जाए तो आप देखोगे कौन सा अच्छा है कौन सा बेहतर है। आप लोगों के भाव नहीं भाव को देने वाले हो जाओगे। इसलिए लिस्ट बड़ी होनी चाहिए और बिग लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट कैसी हो बनानी है आपको? लिस्ट बनानी है सिटी वाइज लिस्ट बनानी है, क्योंकि आपको एक बड़ा फायदा है कि नेट सर्फ में हर सिटी में हर महीने कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो रहा है। अब उस प्रोग्राम को आपको यूज करना है, आपको लिस्ट बनानी है, आपको ABCD से आसपास से जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, उस हिसाब से लिस्ट बनानी है।
सपोज दैट आपका आगरा है, आपका इंदौर है, आपका पूना है, पी फॉर पूना, डी फॉर जो भी आएगा आसपास की, वहां से कॉन्टेक्ट निकालो और सिटी वाइज लिस्ट को बोलोगे साहब मैं तो इतने लोगों को जानता ही नहीं, तो आप अपने मम्मी से लिस्ट निकालो, आप अपने पापा से लिस्ट निकालो, आप अपने भाई से लिस्ट निकालो, आप अपने इन सारे रिलेशन से लिस्ट निकालना चालू करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके संपर्क में 25-50 हो, लेकिन अभी शादी करना हो ना, तो भाई बोलेगा मेरे चार दोस्त हैं, मेरे चार दोस्तों को भी बुलाना है। अभी पता लगा मेरे साले ने अभी शादी उसका सुजीत जी का तय होने वाला है, तो उन्होंने कहा जीजा आप बता देना आपको कितने कार्ड दे दूं, आपके कितने लोग आएंगे। अभी ऐसे ही लिस्ट आपकी बड़ी होगी। आप यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इंडिया एक ऐसी जगह है जहां साल भर में एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या पैदा हो जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि लिस्ट नहीं बन सकती। यहां सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो जनसंख्या है, क्योंकि वही चीज सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और सोचो जब ये लोग पैदा हो रहे हैं तो अभी हर साल इतने लोग बेरोजगार निकल रहे हैं, हर साल इतने लोग बाहर आ रहे हैं पढ़ लिख के, 12वीं पास करके, ग्रेजुएट पास करके, जिनके पास जॉब नहीं है। तो सिटी वाइज लिस्ट बनाइए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि लिस्ट में कैसे लोग होने चाहिए। लिस्ट में आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। फ्रेंड्स में सबसे पहली चीज क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ए फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सारे के सारे लोगों को लिखो। अभी बोलो सर ये मेरे से नहीं मानेगा, अरे दोस्त लिस्ट बनाओ, क्योंकि हो सकता है कोई आदमी आपसे ना माने तो आपके अपलाइन से मानेगा, आपके अपलाइन से मानेगा। और लिस्ट अगर आपके अपलाइन से अगर वो मानता है तो ये मान के चलिए कि फैमिली और फ्रेंड्स में उन सभी लोगों की लिस्ट बनाओ जिसको आप जानते हो। उसके बाद मैं बात करूं आपके रिलेटिव्स, चाचा दादा फुआ ससुराल वाले मायके वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के लिस्ट बनाओ, और ये सारे लिस्ट में नाम डालो। आपको एक एक करके सिस्टम को जमाना है। उसके बाद ई फॉर इनलॉज के बनाओ, मतलब रिलेटिव्स हो गए अपने मायके वाले और इनलॉज हो गए ससुराल वाले, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो भाई का ससुराल होगा, बहन का ससुराल होगा, इन सब की लिस्ट बनाओ, किसी को मत छोड़ो। और उसके बाद आप जितने लोगों को इंजीनियर्स और टेक्निकल पर्सन को जानते हो उनकी लिस्ट बनाओ। क्यों? क्योंकि लिस्ट ही मेन होती है दोस्त, और इंजीनियर्स और टेक्निकल पर्सन बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे सिस्टम को। और डी फॉर फ्रेंड, डी फॉर डॉक्टर्स एंड ड्रीमर्स, डॉक्टर्स एंड ड्रीमर्स इनकी भी लिस्ट होनी चाहिए। कुछ पागल टाइप के आपके जैसे मेरे जैसे लोग होंगे जो कहीं भी ना कहीं वो भी अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं हो, आपको केवल सिस्टम में पकड़ना है, भाई ये करेगा सर ये नहीं करेगा, वो करेगा ऐसा नहीं करेगा। अरे कैसे नहीं करेगा, सबको पैसों की जरूरत है, आपको जरूरत है ना वैसे ही उनको भी जरूरत है, इसलिए आपको ये सारी लिस्ट और आज बन जानी चाहिए। लिस्ट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि आपके इस पूरे लिस्ट में उनका नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी इनकम, एज, और आपने प्लान दिया कि नहीं दिया, टिक मार्क, और एक आगे रख लो रिमार्क, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपना रजिस्टर मेंटेन करो। और जिस रजिस्टर को आप बनाओ उसको कभी जमीन में मत रखो, उसको कभी हाँ पाँव न लगने दो, उसको इतनी इज्जत करो कि ये आपका रॉ मटेरियल है, आपका कच्चा माल है, ये ही आपका मेन है। नेट सर्फ में या नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी कंपनी में, नेट सर्फ में आपका प्रोडक्ट नेचुरामोर, ये स्टीम रिच, बायो 99 नहीं है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, उसमें कंपनी का नाम लिखा है, यहां आपका प्रोडक्ट है, ये आपके टीम के लोग हैं, आपके नीचे जो ज्वाइन पर्सन है वो है। जितने ज्यादा लोग आप ज्वाइन करोगे, जितना ज्यादा क्वांटिटी लेके आओगे, अभी तो बहुत बढ़िया चीज है और ये आखिरी है 31 तारीख तक, मतलब अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन होना चाहता है तो किसी भी एक प्रोडक्ट से ज्वाइन हो सकता है, तो इस वजह से आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब बहुत सारे आम आ जाएंगे, अब उसमें क्वालिटी निकालने का काम आपका रहेगा। तो ये हम लोग जनवरी से निकालेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री कर दो, दो फायदे होंगे। आपने जिन लोगों को एंट्री किया वो आज नहीं कल उनके नीचे पावर होगा, और कब जब पावर होगा तब वो काम करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा, अगर उनको कोई दूसरा नेटसर्फ का प्लान बताएगा तो पहले से ही पिन कार्ड, आधार कार्ड और आईडी एमडीएस है, तो कोई दूसरा प्लान भी नहीं बता पाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से लिस्ट बना के सारे लोगों को क्लोज करो और एक एक करके इन सभी के पीछे जाओ। अब लिस्ट आपकी सबसे पहले बन गई, अब लिस्ट बनने के बाद अब आपका क्या काम है, आपका काम है प्रोस्पेक्टिंग करना, चुनना, चुनाव करना। प्रोस्पेक्टिंग बड़ा साधारण काम नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको तीन इंपॉर्टेंट सिलेक्शन करने हैं अपनी लिस्ट में।
मिनिमम लिस्ट 500 की होनी चाहिए, 500 लोगों की लिस्ट आपकी डायरी मेंटेन होना चाहिए, और उसमें शुभ लाभ लिखना न भूलें। उसमें अपने इष्ट देव या अपने इष्ट खुदा या अपने वाहेगुरु का नाम या जीसस क्राइस्ट का नाम लिखना न भूलें, क्योंकि यहीं से शुरुआत है आपकी, यही सीधा रास्ता है, यही सबसे मेन रास्ता है। आपके प्रोडक्ट आपके लोग हैं। आपका प्रोडक्ट स्टीमरिच बायो 99 सेट एनपीके ये नहीं है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, इससे कंपनी को प्रॉफिट होता है, ये बिकता है तो कंपनी को मिलता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट आपके लोग हैं, आपकी टीम है, आपका नेटवर्क है, इसलिए आपको अब सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। पहला सिलेक्शन कैसे करोगे आप, क्या देखते हो? आप देखते हो यार इसके पास बहुत सारा खेत है, या ये डॉक्टर है, या ये इंजीनियर है, या नहीं नहीं इन सबको भूल जाओ, एक प्रिंसिपल अपनाओ, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करो जो जिनका एज ग्रुप 22 साल से 45 साल के बीच में है। अभी आप बोलोगे सर आपने बोला था प्री जज मत करो, अरे भाई मेरे प्री जज और सिलेक्शन में अंतर होता है, मतलब हम सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे तो सबके पास एक साथ तो आप चले नहीं जाओगे, सबसे पहले जाओगे किसके पास, तो सबसे पहले आप एज ग्रुप सेलेक्ट करो, 22 साल से 45 साल के उम्र के लोगों के पास पहले जाना है, 22 साल से 45 साल के उम्र के पास पहले जाना है आपको दोस्तों। क्यों? अब आपने अवनीत सर ने बोल दिया 22 साल, मान लो कोई 21 साल 6 महीने का है तो उसके पास नहीं जाओगे, ऐसा पकड़ के मत रखना। या फिर 45 साल सबका आधार कार्ड देखने लगो कि भैया दिखाओ यार अवनीत सर ने मीटिंग में बोला था 22 से 45 के पास ही जाना है, अपवाद हो सकते हैं। सबसे पहले एज, ये क्यों की, ये लोग भागते हैं, ये लोग दौड़ते हैं, ये लोग कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, इनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज है, ये अपने कैरियर में अपना नाम फेम बनाना ज्यादा जानते हैं, ऐसे नहीं कि बड़े लोग नहीं जानते छोटे लोग नहीं जानते, पर ये अपनी लाइफ में ज्यादा सीरियस है। क्यों? क्योंकि इनके बैल वाली उम्र चल रही है, क्योंकि शुरू में जो मैंने बताया था एक बार किसी मीटिंग में आपको कि उम्र चार प्रकार की होती है, पहली इंसान वाली, दूसरी बैल वाली, और फिर उसके बाद आगे दो तीन और भी है जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता। तो एज ग्रुप से आपको सेलेक्ट करो कि इनके पास पहले जाना है, ये एनर्जेटिक लोग है, इनके साथ जाओगे आपका काम बढ़ेगा। तो 22 से 45 साल। अब दूसरा सिलेक्शन करो इनकम ग्रुप, मतलब ऐसे लोगों को सेलेक्ट करिए जिनकी इनकम 15,000 से 50,000 के बीच में है। दोस्तों ये लोग ना अपने आप को गरीब मानते हैं और ना ही ये अपने आप को अमीर मानते हैं, ये बीच में लटक रहे हैं, और 15 से 50,000 की इनकम है तो 6,000 की आईडी लगाना आसान रहेगा, वरना होगा क्या, आपने बहुत नीचे वालों को पकड़ लिया तो वो पहले तो आईडी 100 200 500 में लगाएंगे और सोचेंगे भाई तू ही उनको प्रोडक्ट दे दे फ्री में, तू ही सब कुछ कर दे, या फिर जो 50,000 या 1,00,000 की इनकम वाले हैं वो आपको ऐसे तिरछी नजर से देखेंगे कि यार इसकी इनकम इतनी है नहीं और मुझे इनकम की बात कर रहा है। सबसे पहले 15 से 50,000 वाली इनकम ग्रुप में डालो, क्योंकि ये जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इनके सपने होते हैं, ये अपने जीवन को चला रहे होते हैं, सेफ जोन में नहीं रहते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे इनके सपने पूरे हो जाए, और यही ग्रुप आपको आगे लेके बढ़ा सकता है। अब आप ऐसे मत करना कि आप किसी की 14,500 की एज है और वो नहीं कर सकता, हो सकता है स्थिति परिस्थिति में किसी का इनकम ज्यादा बड़ा हो जाए, या हो सकता है किसी की इनकम ज्यादा हो और आप सोच रहे हो नहीं यार ये नहीं करेगा, प्री जज नहीं करना, मतलब पहले किसके पास जाना है जिसकी इनकम 15 से 50,000 के बीच में हो और जिनका एज ग्रुप 22 से 45। और तीसरा सिलेक्शन, आखिरी सिलेक्शन, उसकी सोशल क्रेडिबिलिटी हो, समाज में उसकी जान पहचान हो, और समाज में जान पहचान का मतलब हुआ कि समाज में उसकी इज्जत हो, क्रेडिबिलिटी हो। कभी 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 ऐसा होता है कि अपन गांव में कहीं मिलते हैं और वहां का जो सबसे छटा हुआ गुंडा है उसको अपन ने पकड़ लिया, या फिर सबसे ऐसा आदमी जो दिन भर जुए या शराब इन सब में चीजें, उसकी सोशल क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। अगर उसकी सोशल क्रेडिबिलिटी नहीं है और आपने उसको ज्वाइन करा लिया तो उसकी वजह से आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, ये तीन चीजें, एज ग्रुप 22 से 45 साल होना चाहिए और इनकम ग्रुप 15 से 50,000 के बीच में होना चाहिए और सोशल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ये तीन लोगों के पास पहले जाना है, उसके बाद आपको दूसरों के पास जाना है। अभी प्रोस्पेक्टिंग हो गया, अब बात आती है इनविटेशन की, निमंत्रण की। दोस्तों पूरा कैरियर आपका इसी पर टिका हुआ है, आपका ग्रंथ तो बन गया, निमंत्रण आपकी बात करने का जो निमंत्रण है, आपका जो ये इनविटेशन का तरीका है, यही पूरे बिजनेस को संभालेगा।
अगर आपने इनविटेशन सही से नहीं दिया या आपने मैसेज सही से नहीं किया या उसको बिजनेस के लिए निमंत्रण सही से नहीं किया, तो मान के चलो दोस्त ये बिजनेस में आप वहीं फेल हो जाओगे। आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाओगे, मीटिंग रखोगे, अपलाइन को बुलाओगे, आपका एक भी आदमी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप इनविटेशन नहीं देते हो, आप उसको पूरी पिक्चर दिखाने लगते हो। दोस्तों पिक्चर हम लोग कैसे देखते हैं? ट्रेलर देखते हैं। और ट्रेलर पिक्चर कैसी भी हो, ट्रेलर डिपेंड करेगा कि पब्लिक जाएगी कि नहीं जाएगी। आपका काम है उसको इनवाइट करना, आपका काम है उसको यहां तक लाना, और ट्रेलर ही मेन है दोस्तों। वो जिस व्यक्ति को आप इनवाइट करने जा रहे हो, आपको क्या लगता है दिन भर में उसके पास आपके जैसे पता नहीं कितने लोग इनविटेशन दे रहे हैं? और अगर आपका ट्रेलर कमजोर हो गया, तरीका खराब हो गया, आपने गलत लूज टॉकिंग से उसको इनवाइट कर दिया, तो वो नहीं आएगा कभी। और ट्रेलर में आप पूरी पिक्चर दिखाने लगते हो, आपको पूरा सिस्टम बताना चाहिए कि भैया आपके बात में जरूर कोई दम होनी चाहिए। मतलब आप जिस तरीके से उसको इनवाइट करोगे, आपका उत्साह, आपका एंथुजियम, आपका उत्साहित होकर तरीके को बताने का तरीका, इनविटेशन, अरे दोस्त बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस कोरोना के काल में मुझे लगता है कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, और अगर तूने कुछ समय इसमें गुजार दिए हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैंने जिन लोगों को इसमें देखा है वो बहुत सक्सेस हो चुके हैं। उसके मन में उत्साह पैदा करना है। अब वो पूछेगा भाई काहे के लिए जाना है, तब आपको क्या करना है, मेक इट ब्रीफ, उसको ब्रीफ बताना है, क्यूरियोसिटी पैदा करना है, उसको पूरा ट्रेलर नहीं देना है। इन्विटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द 9 बेसिक, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहीं से डिसाइड होगा कि आप कब सफल होगे। लिस्ट बन गई 600 लोगों की। अब ये 600 लोगों की लिस्ट में आपने प्रोस्पेक्टिंग भी कर दिया, लेकिन अब उनको प्लान लाने के लिए, अपलाइन से मिलाने के लिए या खुद प्लान देने के लिए उत्साहित, प्रोत्साहित और उनको सिस्टम में लाने के लिए ये इनविटेशन बहुत जरूरी है। ब्रीफ करना है। अभी देखो आप इनविटेशन, आप जाते हो कहीं शादी का इनविटेशन देने, बड़ा सा कार्ड लेके जाते हो। अभी जब शादी करने जाते हो ना, या उसका इनवाइट करने जाते हो आप किसी को, तो क्या उसको पूरी चीज बताते हो कि भाई दूल्हा ये पहनेगा, खाने में ये वैरायटी है, और यहाँ पे पंडाल लगेगा, आप इधर से आना, अंदर प्रवेश करना, और पहले आपको फुल्की चाय रिफ्रेशमेंट होगा, ये सब चीज बताते हैं क्या? कितने रिश्तेदार आएंगे, कौन कौन आएंगे, ऐसे ही वो क्या करता है, धीरे से आपसे पूछता है क्या काम है, तो आप बोलते हो एग्रीकल्चर, जैविक खेती का काम है। फिर वो बोलता है कौन सी कंपनी है, आप बोलते हो नेटसर्फ है। अच्छा कैसे, इसमें कुछ पैसे वैसे भी मिलते हैं? बोले हाँ थोड़ा कमीशन मिलता है 15-40%। अच्छा और उसके बाद अब तुझे जोड़ना है बस। अब वो बोलेगा भाई साहब मुझे सब पता है, मैंने दुनिया देखी है, ऐसी बहुत सारी। अच्छा हो सकता है आप बड़े हो, आपको मना नहीं करेगा, पर वो आएगा नहीं, क्योंकि उसने एक पिक्चर बना ली कि आपकी फिल्म कैसी है। अगर फिल्म की कहानी पता चल गई तो फिल्म देखने जाएगा। मेक इट ब्रीफ, ब्रीफ करिए। इनविटेशन है नॉट ए प्रेजेंटेशन, इनविटेशन है ने। यहां सबसे बड़ी गलती होती है, मैं गया एक मीटिंग में, वहां 15 लोग थे, कुर्सियां लगी थी 50, वहां के लोगों ने लोगों को ऐसे इनवाइट किया था कि आए ही नहीं, उनकी बात में उनको दम ही नहीं लगा, उन्होंने ऐसा ट्रेलर दिखाया ही नहीं। मेन सारा फोकस, अपलाइन कितना अच्छा भी प्रेजेंटेशन दे रहा हो, अगर आपके इनविटेशन में दम नहीं है तो वो नहीं आएगा, और अगर वो नहीं आया तो आपके बिजनेस की शुरुआत ही नहीं हुई। मतलब आवाहन है ना, पहले सबसे पहले आपने अपने ग्रंथ को उठाया और आवाहन, इनविटेशन मेन चीज है। दूसरा क्या होता है, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल बात करो, और जब वो आपसे जबरन पूछे कि भाई साहब है क्या चीज, तो मैं आपको बताता हूं उस मीनिंगफुल में आप सबसे पहले शॉर्ट और मीनिंगफुल बात करो, और उससे बोलो मैं भी इस बिजनेस को अभी किया हूं और अब मैं जाके इस मीटिंग को सुनने वाला हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो केवल दिखाई जा सकती हैं, फोन में बताई नहीं जा सकती। कंपनी कौन सा है, बोले तुझे मीटिंग में पता चलेगा। प्रोडक्ट क्या है, वो भी मीटिंग में ही पता चलेगा, पर इतनी अपॉर्चुनिटी में बता रहा हूं कि तूने अगर 40 मिनट उस मीटिंग को सुन लिया तो ये मान के चल कि तेरी लाइफ में चेंज आ जाएगा। अब वो बोलेगा भाई साहब 40 साल से चेंज नहीं आया, अभी 40 मिनट में कैसे आएगा, बोलेगा भाई साहब 40 मिनट के डिसीजन से आपका चेंज जरूर आएगा। तो सबसे पहले आप किसी को जब इनवाइट करोगे तो एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी,
पहले जब भी किसी से फोन पे इनवाइट करो या आप किसी को कॉल पे इनवाइट करो या घर जाके इनवाइट करो, पहले परिवार के बारे में पूछो। अब पता लगा आपने इनवाइट किया, नेटसर्फ का एक प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त होने वाला है पुणे में, और उस प्रोग्राम में आपको आना है सर, आपको आना ही है, और पता लगा उसके घर में बीवी हस्बैंड वाइफ का लड़ाई चल रहा है, या फिर उसका बच्चा बीमार है, या उसके माँ बाप बीमार है, तो सबसे पहले आप उसकी फैमिली के बारे में पूछो। फैमिली के बारे में जब देखा कि हाँ यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर उसके ऑक्यूपेशन, उसके काम धंधे, भाई साहब तेरा काम कैसा चल रहा है, कैसा धंधा चल रहा है, ऑक्यूपेशन के बाद फिर आप पूछो रेस्ट टाइम। यहां फ्री दुनिया में कोई नहीं रहता, आप उससे पूछेगा कब फ्री रहता है, वो बोलेगा भाई खाने का टाइम नहीं है, बीवी भी उससे टाइम मांग रही, बीवी को टाइम नहीं, बच्चों को नहीं टाइम मिल रहा, तो तेरे को कैसे टाइम मिलेगा भाई। सबसे पहले उससे पूछो तुम रेस्ट टाइम में क्या करते हो। आप ऐसे सवाल करो जिसका जवाब आपके फेवर में आए, क्योंकि रेस्ट तो करता होगा, खाना खाके लेटता होगा, या फिर मोबाइल में व्हाट्सएप देखता होगा, या वो टीवी देखता होगा। रेस्ट टाइम में वो टीवी, मोबाइल या कुछ ना कुछ तो, या लूडो या कुछ ना कुछ गेम खेलता होगा मोबाइल में, रेस्ट टाइम में क्या करता होगा। तो बस अगर उसने बताया कि मैं रेस्ट टाइम में हूं, तब आपको बोला क्या पैसा बनाएगा, पार्ट टाइम में पैसा बनाएगा, मैसेज फॉर मनी। अगर पैसा बनाना है तो गुरुवार और रविवार को शाम को 7 बजे एक मीटिंग है, उसमें लिमिटेड सीट है, अगर तू कहे तो मैं तेरी सीट बुक करा दूं, ऑनलाइन घर पे रहना, या फिर एक काम कर, जब तू रेस्ट ले रहा हो मैं तेरे घर आ जाता हूं, मैं आपके घर आ जाता हूं, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं, जिससे जैसा रिलेशन वैसी बातें करनी है आपको, है ना, मतलब अपना तो लगना चाहिए। मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं, मैं भी इस मीटिंग को सुनता हूं और तुम भी सुनो। अभी होता क्या है, आपने सब जगह मीटिंग वायरल कर दिया, अभी उसने थोड़ा बहुत देखा और बाहर निकल आया, उसको नॉलेज नहीं मिला, इंफॉर्मेशन नहीं मिला, वो अवेयर नहीं हुआ, और उसने थोड़ा बहुत देख के पिक्चर बना ली कि यार ये तो जैन बनाने का काम, ये तो खेती बाड़ी का काम है, ये तो हेल्थ का काम है, और वो निकल जाएगा। आपको क्या करना है, आप जब प्लान दे रहे हो तो ये जूम के दम पे मत दो, आप उसके घर जाओ और साथ में दोनों लोग ध्यान से प्लान देखो, दोनों लोग ध्यान से वीडियो देखो, या फिर अपने अपलाइन को लेके टाइम डिसाइड करो। ये मेन चीज, अभी सबसे बड़ी गलती कहां हो रही है, इनवाइट कर रहे हो ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में मेरे को दिन भर में 300 से 400 लोग मैसेज करते हैं, 300 से 400 लोग मैसेज जूम कर देते हैं, लेकिन मैं एक में भी नहीं जाता हूं, भले उसमें से कुछ ऐसी चीजें हो जो मेरे लिए अच्छी हो, पर मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे बात में दम नहीं लगी, मुझे ट्रेलर पसंद नहीं आया, मुझे सामने वाले का ब्रीफ नहीं पसंद आया, और उसने मुझे इनवाइट ऐसे नहीं किया। अरे यार व्हाट्सएप में इनवाइट करेगा, मैं शादी में आऊंगा क्या? नहीं साहब, कॉल करो, कॉल करके फैमिली के बारे में पूछो, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो, रेस्ट टाइम के बारे में पूछो, और मैसेज फॉर मनी के बारे में पूछो। अभी तीन मेन तरीके होते हैं इनवाइट करने का। इनविटेशन के तीन बड़े बड़े जो नेटवर्कर हैं, इन लोगों ने बताया है कैसा तरीका। पहला तरीका कि जब आप इनवाइट करते हो तो सामने वाला आपसे पूछता है, खरोदता है, उससे बोलो भाई एक ग्राफ है, चार्ट है, फिगर है, पीडीएफ है, पीपीटी है, ये सब मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तुम्हारे रेस्ट टाइम में मैं आता हूं और अपन साथ में बैठ के ये प्लान देखते हैं, ठीक है। और तीन इनपुट कैसा है, पहला टेक एडवाइस। अभी आपको बहुत सारे ऐसे लिस्ट में लोग मिलेंगे जो आपके सामने पद में, प्रतिष्ठा में, पैसे में, सम्मान में, उम्र में बड़े हैं, तो आपको उनको कैसे इन्वाइट करना है, उनको बड़े प्यार से, क्योंकि भारत में एक जाति बहुत प्रचलित है जिसको बोलते हैं राय बहादुर। राय बहादुर हर गली मोहल्ले में है, अमेरिका के सर्वे में भी बताया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा राय देने वाले लोग हैं, उनको हम राय बहादुर बोलते हैं। आप जाओ बड़े प्यार से, बोले भैया आपके जैसा मैं भी बनना चाहता हूं, आपके जैसा सफल होना चाहता हूं। अब दोस्तों अगर मैं आपके जैसा, आप ऐसा बोलोगे तो उसको भी लगेगा कि यार ये आदमी मुझसे कुछ सीखने जा रहा है, और वो आपसे बड़ा है पद में, प्रतिष्ठा में। आप उससे ऐसे ही बोलो कि मुझे आपसे कुछ सीखना है और मैं एक व्यवसाय स्टार्ट कर रहा हूं, एक प्रोग्राम है, आपका रेस्ट टाइम बताओ, उसी समय मैं आपके साथ चलता हूं और उस समय मीटिंग अटेंड करता हूं और ये पूरे बिजनेस को संभालता हूं। एडवाइस लोगे 90% वो अपने खर्चे से आपके साथ जाएगा, वो समझेगा और एडवाइस भी देगा, और सकता है ज्वाइन भी हो जाए। इसलिए पहला इनपुट होता है टेक एडवाइस, दूसरा होता है अपने बराबर के लोगों को, सो योर एक्साइटमेंट,
आपका एक्साइटमेंट मेन चीज होता है इनविटेशन में। अगर आपने ऐसे ही जुड़े झड़े बोला, बोले लड़की की शादी में भी देखो, आप अगर बाप एकदम रिक्वेस्ट मोड में आ जाए, बोले बेटा कर ले यार शादी, अभी शादी करने का मूड भी बेटे का होगा ना, तो सोचेगा कोई लोचा है। वो बोलता है ना, देखो ये लड़की है और ये लड़का है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, हम तैयार है। सो योर एक्साइटमेंट, आपका एक्साइटमेंट सो होना चाहिए। आप दोस्तों को कैसे बात करोगे, दोस्तों को अपने स्टेटस में, अपने सारी चीजों में डालो, और अगर उसका फोन आए बोल भाई बिजी हूं बहुत, अभी नेटसअप का एक मीटिंग चल रहा है, उसके बाद एक ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद मैं जा रहा हूं अपनी टीम से बात करने, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी मतलब बहुत बिजी, और ऐसा बिजी हूं, अगर तेरे पास टाइम है तो तू बता। तो उसको फिक्स टाइम बताओ और अपना एक्साइटमेंट दिखाओ। और सबसे जबरदस्त तरीका हार्ट टचिंग, हार्ट टचिंग मतलब इमोशनली या रीजन देखो कि यार मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, मुझे ऐसा प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये बिजनेस किया, मृत्यु के बाद भी ये बिजनेस उनके परिवार को मिल रहा है। इमोशनली अटैच करो, रीजनल रीजन दो अच्छे, और उस वजह से उसको इनवाइट करो। इनविटेशन आपका मेन चीज होता है, और यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। कई सारी जगह से हम लोगों ने देखा, हमने मीटिंग अरेंज की, 15 लोगों को बुलाना है, 15 में से 5 आए, 10 नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनमें एक्साइटमेंट नहीं आया, उसमें उत्साह नहीं पैदा हुआ, उनको सब कुछ पता था मीटिंग में क्या होने वाला है। अभी भी देखो यहां पे बहुत सारे लोग ज्वाइन है, बहुत सारे लोग ज्वाइन है, और अभी 93 लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। बाकी लोगों को भी इनवाइट किया होगा, नहीं आए होंगे, बोलेंगे क्या यार वो अमित सर वही चीज बताएंगे जो हर बार बताते हैं। नहीं भाई साहब, हर मीटिंग अटेंड करना है, और आपको अपने नए फ्रेशर व्यक्ति के साथ इसी तरीके से बात करके उसको इनवाइट करना है। इनवाइट हो गया, अब प्रेजेंटेशन की ओपनिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको कुछ बातों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है? पहली बात, प्रेजेंटेशन की ओपनिंग करते समय आप देखो कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल, मतलब आप क्या बन के गए हो। आप वहां पे ट्रेनर बन के जा रहे हो, मतलब कभी आपका डाउनलाइन आपको लेके जा रहा है तो आप ट्रेनर हो, कि आप स्पॉन्सर हो उसको स्पॉन्सर कर रहे हो, या फिर आप सेलर हो उसको प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर आप उनको भर्ती करने का उद्देश्य लेके जा रहे हो, उसके दिमाग में क्या डाला है, आपका रोल क्या है, आपके कस्टमर का जिसके पास आप जा रहे हो, जिसको आपने लिस्ट में रखा है, उसकी च्वाइस क्या है। प्रोडक्ट ही उसकी च्वाइस है, इनकम च्वाइस है कि उसका, सिक्योरिटी च्वाइस है कि उसकी, एंजॉयमेंट है कि उसका, कैरियर है। अभी जरा देखो, किसी को प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है ना, प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको जोड़ों में दर्द है, अब आप प्लान दे रहे हो उसको, या फिर खेत में उसके फसल में डालना है या गाय भैंस में डालना है, उसको इनकम बता रहे हो। नहीं बाबा, आप सब चीज पहले डिसाइड करो कि व्हाट इज द रोल, हु आर यू, आप कौन हो वहां पे, आपका रोल क्या प्ले होने वाला है। और अगर आपने सही से इनवाइट करके इनविटेशन दे दिया और प्रेजेंटेशन में आप सामने आ गए, या आपने अपने अपलाइन को बुला लिया, तो आप कंसंट्रेट होके ये देखो कि आपने उसको किस तरीके से इनवाइट किया है, इनवाइट करने का क्या पिच रहा है, क्या स्पीच रहा है, किस तरीके से आपने प्रोडक्ट बता के इनवाइट किया है, कि कंपनी में इनकम बता के इनवाइट किया है, कि कंपनी में सिक्योरिटी है वो इनवाइट किया है, कि कंपनी में आगरा वागरा और ये बहुत सारे क्लब नेट सब के एंजॉयमेंट के लिए बताया है, कि कैरियर के लिए बताया है। ये अपने अपलाइन को ब्रीफ कर दो, ये सिस्टम को बता दो कि भाई साहब ये सब चीजें हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, कि ये तो आपने बता दिया, अभी 9 बेसिक में सो द प्लान, प्लान शो करने का जो तरीका होगा वो सीक्वेंस में होगा। अभी आपने डिसाइड कर लिया बंदे को क्या बताना है, तो आपके पास पहला सीक्वेंस है प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट के रिजल्ट, फिर उनका इनकम, इनकम में रिटेलिंग इनकम और ये सारे, फिर इनकम के बाद प्लान डिटेल, प्लान अलग हो गया। अभी एक ही दिन में सब कुछ मत बताओ, देखो बंदा प्रोडक्ट में कन्विंस हो गया, क्लोज कर दो, आगे मत बढ़ो। प्रोडक्ट में क्लोज हो गया, रिजल्ट देख के क्लोज हुआ बता दो, इनकम देख के क्लोज हो गया बता दो, प्लान डिटेल, फिर कंपनी डिटेल, ये स्टेप बाय स्टेप बताना है आपको कब क्लोज हुआ, और कंपनी की सिक्योरिटी डिटेल क्या है, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, या फिर कंपनी में जो एंजॉयमेंट होता है उसके बारे में, या फिर नॉमिनी फैसिलिटी, किसी 8 लाइन पे, मतलब ये मान के चलो ये 8 बॉल है, और जो आप जिसको प्लान दे रहे हो वो सामने वाला बंदा बैट्समैन है और आप बॉलर हो, आपने प्रोडक्ट का दिया, अब उसने प्रोडक्ट में उसको इंटरेस्ट नहीं आया, आपने रिजल्ट दिया उसको भी रिजल्ट में इंटरेस्ट नहीं, आपने इनकम दिया बोल्ड हो गया,
प्लान डिटेल दिया बोल्ड हो गया, कंपनी डिटेल दिया बोल्ड हुआ, मतलब किसमें बोल्ड होगा ये देखो। आप बॉलर हो, आप बॉलिंग करते रहो, कैच आउट भी हो सकते हो और कभी कभी आपके बॉल पे छक्के भी पड़ सकते हैं, तो जरा इसके लिए प्रिपेयर रहो। चार छक्के लगे, अरे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, रिजल्ट ऐसे अच्छे अच्छे हैं, इनकम तो और भी दे रही है, अरे प्लान में क्या रखा है, इससे अच्छे अच्छे प्लान है, कंपनी हाँ इससे भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिक्योरिटी डिटेल में बोल्ड हो गया, नॉमिनी में बोल्ड हो गया। अभी किस पे आप ये मान के चलो, आप जिसको प्लान दे रहे हो वो बैट्समैन है और आप बॉलर हो और आपके पास ये आठ टाइप की गुगली है, अभी कौन सी गुगली से वो आउट होगा ये आपको देखना है। और हमारे नेटसर्फ के ये आठ बॉल जो है ना, ये गुगली कोई ना कोई तो आउट करेगा ही उसको, और नहीं भी हुआ तो एक टूथपेस्ट देके जाना, क्योंकि 180 से भी आईडी हो जाएगी। सबसे अच्छी गुगली अभी तक की 180 वाली है कि यार 180 से भी ज्वाइन हो जाएगा, मतलब हर बॉल में छक्के मार रहा है, हर बॉल में वो आपसे बचना चाह रहा है, क्योंकि जो सामने वाला है ना उसने माइंडसेट ही बना रखा है कि मुझे जुड़ना नहीं है। अगर उसने इस तरीके से सोच लिया तो हर बॉल में छक्के मारेगा। और आप भी बोलो मुझे बिना जोड़े तुझे जाना नहीं है, ये सौदा प्लान का तरीका है। अब प्लान देने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप, पूछते हो सर कंपनी कैसी लगी है ना, फिर पूछते हो प्रोडक्ट कैसे लगे, इनकम प्लान कैसा लगा। भाई साहब ये सवाल आपको पूछ लिया, मान लो आप गए, आप ऐसे सवाल पूछो ही मत जिन सवालों के निगेटिव जवाब से आप निगेटिव हो जाओ। तो आपको पहला सवाल क्या पूछना है, इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या लगी। अभी अपन ने ये नहीं पूछा बिजनेस कैसा लगा, इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो अब अगर मान के चलो वो बंदा आपका बात नहीं बता पा रहा है या फिर थोड़ा कंफ्यूज है, भी पहली मीटिंग है, तो आप उसको बताओ कि मैं जब इस कंपनी में जुड़ा था तो मुझे इस कंपनी की बिजनेस की सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें कहीं बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी चले जाओगे गांव में शहर में बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस में कोई रीपर्चेज नहीं है, बिजनेस में यह सबसे बड़ी बात है कि इसमें सपोर्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, इस बात को मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल, सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। अब वो बंदा प्रोडक्ट में खोजेगा। देखो क्या होता है, अभी आप किसी से पूछोगे भाई क्या पियोगे तो बोलेगा कुछ नहीं, पर अगर उससे पूछोगे चाय पियोगे कि कॉफी, तो कोई ना कोई एक सवाल का जवाब दे देगा, मैं कॉफी पीऊंगा या फिर मैं चाय पीऊंगा या मैं दूध पीऊंगा। आप उसको ऑप्शन ही ऐसा दे रहे हो जिससे वो पिए, इसीलिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। अब मान लो उसको समझ में नहीं आ रहा है, अभी वो कंफ्यूज है, अभी पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा है, तो बोलो मुझे तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट इसमें सीएफसी लगा। साला 650 का प्रोडक्ट 50 दिन चलता है, 10 ग्राम रोज देना होता है, 1 लीटर से लेकर 5 लीटर तक दूध बढ़ा देता है। या फिर सबसे अच्छा मुझे टूथपेस्ट लगा, साला मुंह की सारी अच्छी चीजें कर दिया। अब इस तरीके से अगर आपने उसको समझाया तो वो आदमी के दिमाग में चीजें बैठने लगेंगी। ये दृश्यम पिक्चर का फंडा है, आप उसको दिखाओ, आपका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा होना चाहिए। अगर सामने बैठे हो तो पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करो। दूसरा, अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन किए तो 1 हफ्ते में आप कितना टाइम देंगे। अब यहां भी आपने टाइम भी निकाल लिया उसको, ये नहीं देखना कितना टाइम दोगे, 1 हफ्ते में टाइम कितना दोगे। अभी बोलेगा यार संडे को मैं 4 घंटे कपड़े वपड़े धुल जाते हैं, मैं फ्री हूं, या सैटरडे को मेरे साथ ले लेना। मतलब अब उसका टाइम फिक्स हुआ, वो नोट आउट करो इस तारीख को इतने घंटे, 2 घंटे चाहिए उसको, जो उसको कभी उससे जीतने की कोशिश मत करो। उसके बाद आखिरी सवाल, पार्ट टाइम में अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आप कितने पैसा कमाने की उम्मीद रखते हो। मतलब अगर आप पार्ट टाइम में, अब आपने उसको बताना चालू किया कितना, 8,19,250। अभी वो आदमी नया नया आया है, अभी हो सकता है उसको विश्वास ना हो, उसने कभी नेटवर्किंग नहीं देखा हो, तो वो बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो आप बोलो मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था इससे 10,000 से 15,000 रुपया महीना मैं कमाऊं साइड में, जिससे मैं घर के ईएमआई भर सकूं। इसके दिमाग में बैठ गया कि मैं घर की ईएमआई इससे भर सकता हूं, और वो स्टार्टअप ले लेगा। ये चार सवाल आपके लिए बड़े मायने रखते हैं, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? क्योंकि बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या लगी, सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन किए हैं तो 1 हफ्ते में आप कितना टाइम दे सकते हैं, पार्ट टाइम में आप बिजनेस से कितना पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं, ये चार सवाल मेन है आपके लिए। दूसरा, अब आते हैं ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन है भाई साहब, अगर ये आ गए तो खुश हो जाओ। कई सारे लोग, जब आपकी टीम के लोग आपसे ऑब्जेक्शन करते हैं, सवाल करते हैं,
तो बड़े गुस्से में आ जाते हो, भाई साहब ऑब्जेक्शन क्या है, ऑपरेशन हो गया, टाका लगाने की विधि जैसे इनविटेशन मेन है वैसे ही ऑब्जेक्शन मेन है। ये टाका लगाने की विधि, अभी कभी गाय दूते हुए गांव के किसान बैठे हैं, गाय दूते हुए देखा क्या, पहले तो आपको गाय के पांव में एक रस्सी बांधनी पड़ती है, ठीक है, जिससे बीच में वो नाटक ना करे। तो इसलिए प्लान देते समय कंसंट्रेट हो जाइए, टीवी वगैरह बंद करवा दीजिए, मोबाइल ऑफ करवा दीजिए, बच्चे हैं तो थोड़े से चॉकलेट टॉफी रखिए और उनको कहीं इधर उधर भेज दीजिए। और ये मतलब हो गया आपने अपने बंदे को कर दिया। अब बीच बीच में बहुत सारे भिनभिनाने वाली मक्खियां होती हैं तो थोड़े धुआं कर दीजिए, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बीच बीच में आके ऑब्जेक्शन करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे वो। तो जिस तरह से गाय को, फिर उसके बाद गाय के पानी से थन को सहलाया जाता है, एक बच्चे को ढूंढ भेजा जाता है, उसके बच्चे को जो उसको दूध उसके स्रोत में लाने का काम करती है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, ऑपरेशन के बाद टाके लगाना, ऑपरेशन के जैसे भैंस का दूध निकालना, इसको ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन है, रिजेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन ये रिजेक्शन नहीं है मेरे दोस्त। और ये रिजेक्शन जब होगा तो वो बंदा सुने सवाल ही नहीं करेगा आपसे, कुछ भी नहीं बोलेगा और सुनेगा और निकल लेगा। अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उसको छेड़ो जिससे वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ले। वो ऑब्जेक्शन किस पे लेगा, प्रोडक्ट पे ले सकता है, महंगे हैं, या उसने ऑब्जेक्शन प्लान पे ले लिया, या उसने पे आउट पे ऑब्जेक्शन ले लिया, तो उसको लेने दो, इरिटेट मत हो, गुस्सा मत हो। क्योंकि जो ऑब्जेक्शन है वो अगर प्रोडक्ट पे है तो आप उनको बताओ कि हमारे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है जो चलने वाले हैं, हमेशा खेती लॉकडाउन में भी चलेंगे, हमारे प्रोडक्ट नीड और रनिंग प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट इसेंशियल है, हमारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, हमारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल है और यूनिक प्रोडक्ट है और हेल्थ एंड डेली यूजेज के प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट पे अगर उसने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कोई लेगा कि नहीं लेगा, है ना, ये मेन चीज होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है ना, अभी जैसे ही ऑब्जेक्शन आता है तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग मेन चीज होती है। अभी ऑब्जेक्शन से पहले आपकी जो ओपनिंग रहेगी प्रेजेंटेशन की वही मेन रहेगी, नेचुरा मोर की, हर्ब्स एंड मोर की, क्लीन एंड मोर की। ये ऑब्जेक्शन जो आएंगे आपके वो आपके इस पर निर्भर करेंगे कि आपने प्रेजेंटेशन की ओपनिंग कैसे करी है। आपने ईगो बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा हाइपर होके बात कर रहे हो, आप इरिटेटिंग भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। इसका ध्यान रखिए, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की या प्लान की ओपनिंग आपकी मेन चीज होनी चाहिए, उसके बाद इंफॉर्मेशन देना चाहिए, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाने चाहिए, रिजल्ट दिखाने के बाद क्लोजिंग करनी चाहिए, क्लोजिंग करने के बाद डेमो भी देना चाहिए। और डेमो देने के बाद अगर आप एस्टीमेट बताओगे, कंपेयर करोगे प्रोडक्ट का, तो आपके ऑब्जेक्शन कभी आएंगे नहीं मेरे दोस्त। और अदर टू कंपेयर करने में कभी कभी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करने लगते हो। अभी कोई बाबा रामदेव जी का भगत है और वो आ गया और आपने कुछ बुरा बोल दिया, या कोई आदमी कहीं कुछ ऐसी चीजें बोल दिया, कंपेयर मत करो दोस्त, बहस मत करो, बहस से बिजनेस नहीं आता है। मेन चीज का है ओपनिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करना चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट की जो चीजें होती, जब बंदा, आप जब किसी को प्लान दे रहे होते हो, आप प्रोडक्ट उठाता है और प्रोडक्ट को देखने लगता है, आपने क्या बोला, भाई हमारा प्रोडक्ट 100% नेटसर मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो अभी मेरे पास इतने सवाल आते हैं तो मैंने ये स्लाइड रखी है ऑब्जेक्शन पे, प्रोडक्ट में आपके ये जो बार कोड वगैरह होता है ये कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन क्यों लिखा है, इसमें केमिकल है, इस पे बहस हो जाती है। दूसरा, ये चीजें इसलिए लिखी जाती हैं क्योंकि बच्चे की पहुंच में आएगा, वो आंख में लगा लेगा, कान में लगा लेगा, इधर उधर तोड़ देगा, वो उसको नुकसान भी कर देगा, पैसे का भी और प्रोडक्ट का भी। और इधर उधर कान वान में डाल दिया कैप्सूल उप्सूल, तो अभी एक के बच्चे के कान में घुस गया, इसलिए इन सब चीजों को बोला जाता है कीप आउट ऑफ रीच चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की पहुंच से दूर रखो, जैसे मेंस वेलनेस की बात कर रहा हूं। अभी यहां पे जो ये हरा सिग्नल है ये वेजिटेरियन का सिग्नल है, और उधर देखिए क्लिनिकल वैलिडेटेड है। जब आपके पास नॉलेज होगा ना और जब आप पूरी चीज बताओगे तो ऑब्जेक्शन आएगा ही, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, यहां बारकोड लिखा है, अगर ये बारकोड को आप मोबाइल गूगल लेंस में क्लिक करोगे तो आपको प्रोडक्ट हिंदी इंग्लिश में सारा आ जाएगा,
उसकी डिटेल आ जाएगी। नो मोर, नो मोर में ये बारकोड का फोटो अभी खींचना, आप जैसे ही मीटिंग खत्म हो ये बारकोड की फोटो खींच लेना, आपको पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इतना बढ़िया प्रो, हर प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट का अलग अलग बारकोड डाला हुआ है। उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, एक्सपायरी डेट। भाई नेटसर्व कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड मार्केटेड बाय है और नेटसर्व रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, नेटसर्व रिसर्च मैन्युफैक्चरर है, MFD। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है, बेस्ट बिफोर 18 मंथ। ये कई सारे लोग क्या करते हैं, जो ये मतलब जो यहां लिखा है जनवरी 2021, अभी फटे सर ये तो यार एक्सपायरी है जनवरी 2021, 18 महीने चलेगा अभी, है ना, इसलिए यहां पे ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरा बोलते हैं यार इसके है क्या, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन सुगर यही सब चीज रखा हुआ है। भाई साहब ये न्यूट्रिशनल फैक्ट अलग है और कंटेंट यहां लिखे रहते हैं, यहां ऑब्जेक्शन ऐसा आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि ये कोई दवा नहीं है। अभी कोई बोले तुमने तो बोला था जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, पर यहां तो लिखा है कि ये कोई दवा को बीमारी को ठीक नहीं करेगा। हाँ ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये ऐसी डिजीज को ठीक करने वाला है जो किसी की कमी की वजह से हो रहा हो, ठीक है। और ये इसलिए लिखना पड़ता है, अगर यहां पे ड्रग लिख दिया जाएगा तो आप नहीं बेच पाओगे, ये नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएगा, ये चला जाएगा फार्मास्यूटिकल में। तो न्यूट्रास्यूटिकल होने की वजह से ये लिखना पड़ता है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, या फिर आज मुझे लगता है आप सब जान चुके हो। दूसरा यहां पे FSSAI का लाइसेंस नंबर है, वहां भी डाल के आप चेक कर सकते हो। फिर एक सवाल आया, बोले साहब तुम तो बोले थे कि नेटसर्व खुद प्रोडक्ट बनाती है और ये गायत्री वाला क्या है। भाई साहब MSME लघु उद्योग के तहत बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को बिजनेस प्रमोशन के लिए एक ऐसा प्रावधान है कि जिससे हमें जब हमारा सेल ज्यादा बढ़ जाता है तो हम दूसरे की फैक्ट्री उपयोग करते हैं और वहां अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन वहां यह भी लिखा है प्रोडक्ट एंड ब्रांड ऑन बाय नेटसर्व, मतलब इसका मालिकाना हक, इसके फार्मूले का, इसके अंदर के मटेरियल का पूरा ऑनर नेटसर्व है। अब बनवाने के लिए जैसे अभी अपन मीटिंग रख रहे हैं तो जूम पे रख रहे हैं, अभी जूम लिख का जूम का ही आईडी भेज रहे हैं ना आपको, आपको नेटसर्व की तो आईडी नहीं भेज रहे हैं, पर मीटिंग नेटसर्व की हो रही। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको आते हैं, मुझे लगता है आज के बाद ये सारे ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर लोगे। आगे चलते हैं, अभी आप हो और आपका प्रॉस्पेक्ट है, दोस्तों ये दोनों लोगों के बीच में गजब का युद्ध होता है। वो सवाल करता है और आप जवाब देते हो, वो सवाल करता है और आप जवाब देते हो। दोस्तों ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इरिटेट मत हो, रिलैक्स। अभी जब उसने सवाल किया है तो जरूर वो सवाल क्यों कर रहा है इसके पीछे देखो आप, कि वो सवाल क्यों कर रहा है। उसको हो सकता है आपके साथ जुड़ने का मन नहीं है, वो आपसे ऐसे ऑब्जेक्शन ले रहा है जिससे आप जवाब ना दे पाओ, या फिर वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, या फिर वो आपसे जीतना चाहता है। तो जब उसका सवाल आ रहा हो और आप आंसर दे रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखो, उसको जीतने दो, आप मत जीतो। वो जो बोल रहा है उस पे उसको विजयी महसूस करो कि तुम सही बोल रहे हो, और आप लूजर बन जाओ, क्योंकि अगर यहां लूजर बने तभी विजेता होंगे। आप एक टेक्निक अपनाओ, फील फेल्ट एंड फाउंड। आप उसकी समस्या, उसने जो भी समस्या जो भी सवाल दिया है उसको बोलो, हाँ मैं तुम्हारी इस समस्या को मैं भी समझ रहा हूं। फिर उसको अपना कोई स्टोरी, कोई अनुभव बताओ और उसको उसका हल बताओ, तो जाके आप घुमा के आप उसके सारे आंसर दे सकते हो। क्या क्या पूछेगा वो, सबसे बड़ी चीज मान के चलिए, सबसे पहला सवाल होता है, मैं तो कर लूंगा भाई पर मेरे साथ कोई जुड़ा नहीं तो। अब ये सवाल में आप इरिटेट हो जाओगे, अरे यार मेरे साथ सब जुड़ गए, मेरे अपलाइन के साथ जुड़ गए। आप उसको बोलो कि यार तुमने बहुत सही सवाल किया, यही सवाल मैंने अपने अपलाइन से किया था, कि अगर मैं जुड़ गया और मैंने लोगों को ज्वाइन करने के लिए गया और लोग नहीं जुड़े तो लेकिन हुआ क्या कि मेरे को जरूरत थी इसलिए मैं जुड़ा, मेरे से मिलने वाले लोग ऐसे थे जिनकी लिस्ट में मेरे अपलाइन ने समझाया और फिर वो लोग जुड़ने लगे। और आज जो मैंने सोचा था, मैं सच में मैं बताऊं, मैं इंदौर में था, मेरी इंदौर में जान पहचान नहीं थी, कुछ लोगों को जानता था, मैं यही सोचता था यार मेरे से कोई जुड़ा नहीं तो। लेकिन आज पूरा भारत में लगभग ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां से मेरे से लोग नहीं जुड़े हैं, मैंने नहीं जुड़े लेकिन ये टीम आगे बढ़ती रही। दूसरा सबसे बड़ा सवाल,
मेरे पास तो लोग ही नहीं है। अब आप हंसने लगे हैं, क्या मजाक कर रहा है यार, तेरे पास लोग नहीं है, तेरे पास शादी वादी करता नहीं क्या, कहीं लिस्ट विस्ट नहीं बना सकता? भाई साहब, ये सवाल अगर उसने किया है तो उसको फील कराओ कि वही भर बेवकूफ नहीं है, हम भी बेवकूफ है, हमने भी देखा था कि मेरे पास लोग नहीं है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं कि आपको एक आदमी का नाम लिखने और डिटेल लिखने में 1 रुपया पर आदमी दूं, तो कितने लोगों का नाम लिख दोगे? बोलेगा 100, 200, 500, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, ग्रुप में। साहब, ये सवाल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज के समय में मेरे पास सबसे बड़ा ग्रुप है। ये सवाल, तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है, मेरे दोस्त अगर तैयार हो जाएंगे तो मैं कर लूंगा। आपने प्लान समझा दिया। सबसे ज्यादा लोग यहां ट्रैप होते हैं, लीडर। एक बंदे को प्लान समझाया और वो ज्वाइन नहीं हुआ। अभी एक उदाहरण है, टीकमगढ़ में एक बंदे को प्लान समझाया गया, वो ललितपुर का है। अभी टीकमगढ़ में ललितपुर को प्लान समझाने के बाद वो बंदे को लेके ललितपुर जा रहे हैं, सारे लोग वहां पे मीटिंग ले रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब पता लगा जिसको लेके जा रहे हो वही नहीं जुड़ा है। तो आप उनसे बोलो कि भाई साहब, जब तुम मैं अपने दोस्तों के पास मुझे ले जाओगे, और अगर वो पूछेंगे क्यों रे तू ज्वाइन हो गया क्या, तो आप अगर बोले कि नहीं मैं अभी ज्वाइन नहीं हुआ हूं, तू देख ले, तो वो समझ जाएगा कि यार भाई ये मुझे फंसाने आया है। लेकिन अगर आप ज्वाइन होके फिर अपने दोस्तों के पास जाओगे तो वो जरूर ज्वाइन होंगे, क्योंकि आप ज्वाइन हुए हो। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं ज्वाइन होइए, और आपके दोस्त ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका सपना क्या है और आपका क्या है। क्यों? क्योंकि उन दोस्तों के साथ हम मिलके जाएंगे, हम उनको समझाएंगे। ये तीसरा सवाल सबसे कॉमन सवाल है, और यहां पे अपलाइन बड़ा ट्रैप होता है। उसके बाद चौथा सवाल है, घर वालों से पूछकर बताऊंगा। बोलो, मैंने भी यही सोचा था, घर वालों से पूछकर बताऊंगा, पर मैं जब घर जाऊंगा तो उनसे पूछूंगा क्या? ये 1 घंटे का जो प्रेजेंटेशन है, इसमें जो प्रोडक्ट है, जिसमें प्लान है, ये उनको बताऊंगा तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए मैंने घर पे कुछ चीज नहीं पूछा। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने कुछ गलत काम किया, कोई गलती किया, तो क्या घर वालों से पूछ के किया? पहली बार नशा किया, पहली बार कॉलेज में कुछ अलग काम किया, या दोस्तों के घर में कुछ जाके कुछ गंदा काम किया, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। तो जब नाम खराब होने वाली चीज घर वालों को नहीं बताया, तो नाम अच्छा करने वाली चीज क्या बताऊंगा? क्योंकि वो नहीं समझेंगे। आप वो पूरे प्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाओगे। आप घर वालों से पूछकर ये काम नहीं कर पाओगे। अगर आप घर वालों को यहां बिठाते और मैं प्लान समझाता, तो जरूर आप उनसे पूछकर बताते। उसके बाद, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं कब काम करूंगा? यही बोलना है उनको कि ये तो सबसे बड़ी विडंबना है मेरे दोस्त, कि आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं होता, या तो वो करोड़पति हो या बहुत पैसे वाला हो, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी ये विडंबना है, और इस विडंबना से आपको टाइम फ्रीडम मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी टीम हो गई और वो टीम ने नीचे काम चालू किया, तो आपके पास फ्री टाइम होगा। मुझे आपका टाइम नहीं चाहिए, और मेरे पास भी टाइम नहीं था। आप उसको फील कराओ अपनी बातों पे। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं भी सुबह से शाम तक बिजी था, लेकिन मैंने वो 2 घंटे का समय निकाला जब मैं टीवी देखता था। मैंने वो 2 घंटे का समय लगाया जब मैं व्हाट्सएप में चैटिंग करता था। मैंने वो 2 घंटे का समय निकाला जब मैं तेरी मेरी करता था। तेरी मेरी क्या? अभी कोरोना हो गया या फिर चुनाव हो गया, वो टाइम मैंने यहां इन्वेस्ट किए हैं। मैंने टाइम का इन्वेस्ट किया है, और आज मेरी स्थिति देखो। पांचवा सवाल, छठा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। दोस्तों, पैसे होते तो वो यहां पे नहीं होता, इसीलिए तो सबसे बड़ी विडंबना है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इधर उधर से जुगाड़ लगाया। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना था, मुझे अपने सपने देखने थे, और मैं किसी के सामने बोलूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज 200 नहीं है, 4,000 नहीं है, 6,000 नहीं है, ये विडंबना है। इसी वजह से मैंने सब ज्वाइन किया कि मैंने मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं थोड़ी ज्वाइन करता इसमें, है ना। सातवां, ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। बोलो, बोले मैं भी यही सोचता था कि ऊपर वाले पैसा हमेशा ज्यादा कमाते हैं और नीचे वाला पैसा कम कमाते हैं। तो हमने बताया कि जो हमारे पहले करोड़पति लीडर है, मतलब पहले नंबर में दहितुले सर है, और उनके बाद कई लेवल के बाद हमारे सालवी सर है, लेकिन सालवी सर की इनकम 47 करोड़ है और उनकी 23 करोड़ है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं,
लेकिन यह बताओ कि वो भी 16 लाख रुपए कमा रहे हैं और गुरुलिंगा भी 16 लाख रुपए कमा रहा है। इसमें पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम नहीं है। आप जहां से शुरू करोगे, जहां खड़े होगे, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। यहां ऊपर और नीचे का सेटिंग का सिस्टम नहीं होता है। आठवां, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। अरे मेरे दोस्त, अभी लेवल, ये लेवल बढ़ाने वाला काम है। मैं भी यही सोचता था, मैं एक डॉक्टर था और मैंने सोचा कि यार मैं ये प्रोडक्ट लेके किसी के पास जाके सेल करूंगा, मैं किसी को प्लान दूंगा। मेरे पास एक नेचुरल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और मैं हाट बाजार शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड का एमडी था। मैंने कहा एक एमडी एक नेटसब के प्रोडक्ट को नीचे ले जाके लोगों के सामने सेल करेगा, क्या है लेवल का काम? पर दोस्तों, इसने मेरा लेवल बढ़ा दिया है। आज जहां जाता हूं लोग फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, जहां जाता हूं सम्मान से लोग देखते हैं, वो परिवार बड़े इज्जत के साथ देखते हैं। है जिनका, जिनके टीम में, जो मेरी टीम के लोग हैं जिनको पैसा आ रहा है। आज मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये लेवल बढ़ाने का काम है। नवा क्वेश्चन, इस काम को लेकर मार्केट में निगेटिविटी बहुत है। बोले सर, निगेटिविटी किसमें नहीं है? अभी गूगल में पानी की निगेटिविटी ले आओगे तो बहुत सारी निगेटिविटी मिल जाएगी। एल्कलाइन वाटर, एसिडिक वाटर, सब काम में निगेटिविटी है। अभी रोड में गाड़ी खरीदने की बड़ी सारी निगेटिविटी है। रोड में तो देखा जाए तो कोरोना की इतनी निगेटिविटी है, लेकिन लोग चल रहे हैं ना दोस्त। तो हमको निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी देखना पड़ेगा और हमें कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ इसको पॉजिटिव इफेक्ट करना पड़ेगा। आपको हर प्रोडक्ट में उसको सही ठहराना है कि ये सवाल उसका बहुत बड़ा बढ़िया है। उसको छोटी मोटी स्टोरी बता के उसको क्लोज करना है। और उसके बाद दसवां सवाल होता है, ये तो चैन बनाने का काम है। मैं प्रोडक्ट नहीं बेच पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, उनको बताओ कि ये चैन क्या चीज है। आपको अभी चैन का इंफॉर्मेशन, उसको चैन की गणना बताओ। और अगर आपने प्लान में ये चीज इन्वॉल्व कर दी तो ये चीज, ये सवाल नहीं आता है, है ना। अब प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये यूज एंड रिकमेंड का काम है। आप प्रोडक्ट यूज तो करते ही होंगे, दुकान का टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू या खेती का, ये यूज करिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को रिकमेंड करिए। इस तरीके से आप ऐसे 10 सवालों का जवाब दोगे। और कुछ मजेदार सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है, प्रोडक्ट महंगे हैं। सबसे ज्यादा कॉमन सवाल होता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, फील कराओ। मुझे भी लग रहा था यार, मेरे को ये प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लो, जैसे टूथपेस्ट बोलो, मेरे दांतों में बड़ी सनसनाहट झंझनाहट थी, फील कराओ। और जब मैंने नेटसब का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो मैंने देखा कि मेरा 4-5 दिन में सनसनाहट झंझनाहट ठीक हो गई। और जो एक 90 ग्राम का टूथपेस्ट है अपना सेंसोडाइन, वो 90 ग्राम का 210 रुपए का है और नेटसर्व का जो टूथपेस्ट है वो 180 रुपए का, 125 ग्राम का है। तो ये तो प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट महंगे होते हैं तो दो ही चीज होती है, या तो उसमें क्वालिटी होती है या फिर उसमें अपॉर्चुनिटी होती है। क्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की वजह से ही प्रोडक्ट महंगे होते हैं। और आप बहुत सारे प्रोडक्ट अपने ऐसे हैं जो बहुत सस्ते हैं एक्चुअली क्वांटिटी की वजह से। जैसे एक झंडू बाम होता है, झंडू बाम दर्द को खत्म करता है। अभी झंडू बाम 8 ग्राम का 40 रुपए का है, मतलब 5 रुपया ग्राम है। और अपना पेन क्रीम 50 ग्राम 250 रुपए का है, ये भी 5 रुपए का, ये भी 5 रुपए का। पर इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, इसमें क्वालिटी भी है। और झंडू बाम में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्वालिटी की बात हम नहीं करते हैं, क्वालिटी सब में बराबर हो सकती है, प्रोडक्ट महंगे हैं। दूसरा पैराबीन, लॉरेंस सल्फेट, हर्बल सारे प्रोडक्ट हैं। दूसरा जैविक खेती है इस तरीके से। और आप देखो कि खेती में प्रति एकड़ का खर्चा कितना होता है। तो प्रोडक्ट महंगे वाला सवाल आप प्लान में इस्टीमेट दे दोगे तो ये सवाल ही नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, क्या गारंटी है कि आपके साथ सफल हो पाऊंगा? बोले साहब, कोई गारंटी नहीं। थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बात करो, बहुत ज्यादा लालच में मत घुसो, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टिंग मूड में मत आओ। सर, कोई गारंटी नहीं है। एक लड़का बहुत महंगा ट्यूशन करता है, कोटा में लाखों रुपए खर्च करता है, क्या डॉक्टर बन जाता है या आईएएस बन जाता है या स्कूल के सारे लड़के सफल होने की गारंटी है? लेकिन फिर भी हम पढ़ाते हैं, इस वजह से इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन सिस्टम फॉलो करोगे, अपलाइन का सपोर्ट होगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, डाउनलाइन अच्छी मिल गई, इसमें 100% गारंटी हो जाएगी। तीसरा सबसे जबरदस्त सवाल, कंपनी भाग गई तो? दोस्तों, ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दे सकते हो। मैंने भी यही सोचा था। और कभी कभी आप सवाल में जवाब देने के मोड में ना हो, सवाल के ऊपर सवाल करो, कंपनी भाग गई तो? जरा उनसे पूछो कि सर,
आप ही बताओ कि ऐसी कौन सी चीज इसके अंदर है जिससे लोग भाग सकती है कंपनी। पहली बात, कंपनी लीगल है, 20 साल से नहीं भागी, मेरी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत खराब होगी तभी भागेगी। और कंपनी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में इसलिए है क्योंकि कंपनी 70% बांट देती है और बाकी फिर भी प्रोडक्ट में वो प्रॉफिट 10-15% लगाती है। नेट सर्फ 10x10 के कमरे से स्टार्ट हुई थी सन 2001 में और आज 150 करोड़ का ऑफिस बना लिया है, कहीं से है। और कंपनी के जो प्रोफाइल है, प्रमोटर्स है, अगर आप इनके बारे में सही जानकारी दोगे तो ये सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि माइल है, साथ ही बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ये सवाल मेरा मन नहीं है। ये अब आखिरी वाला सवाल, मतलब मजेदार सवाल, मेरा मन नहीं है यार काम करने का, मैं कर नहीं पाऊंगा। बोलो सर, जब स्कूल जाते थे तो क्या स्कूल जाने का मन करता है? जॉब के लिए क्या अभी इतनी ठंड पड़ रही है, क्या जॉब के लिए मन करता है? एक आर्मी का बंदा इस समय हिमालय में बैठा है, क्या उसका मन करता है वहां बैठने का? मन नहीं होता साहब, मन को करवाना पड़ता है, मन बड़ा कमीना है। ये आपको ऐसा कराना चाहता है जिससे आप हमेशा गर्त में रहो। मन से कोई काम, मूड से कोई काम नहीं होता है। आप जिन जिन लोगों ने मूड पे काम किया वो कहीं के नहीं रहे, उनका नाम ही कहीं नहीं दिखा। इसलिए मन के अंतर में मत रहो, मन को अपने वश में करो। एक दिन सब जुड़ गए तो थोड़ा सा हंसो, बोलो यार देखो बात बताऊं, ये सवाल तो बड़ा मजेदार है। मैंने भी अपने अपलायंस से पूछा था तो उसने बताया भारत में एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर की जनसंख्या रोज है। और दूसरा इसका जो एक प्लस पॉइंट है कि अगर सारे के सारे जुड़ गए तो टूथब्रश करना बंद करेंगे क्या, या नहाना बंद करेंगे क्या, या खेती करना बंद करेंगे क्या? ये जोड़ने वाला बिजनेस ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग है। जितने आपके अगर मान के चलो 70 आदमी जुड़ गए और 70 आदमियों ने 1-1 लाख का टर्नओवर दिया, 70-70 लाख का टर्नओवर हुआ, आपको 8 लाख मिलेगा। 8 लाख कम नहीं होने वाला है, इस वजह से ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। फिर मुझे ऐसे काम का अनुभव नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा? तो उसको बोलो मुझे भी अनुभव कहा है, मैंने थोड़ी पीएचडी करी है, लेकिन मेरे सीनियर और उनके सीनियर, मेरे सीनियर संजय जैन, उनके सीनियर मराठे सर, उनके सीनियर सालवी सर, और ये पूरे कैप्टन ग्रुप, ये बराबर ट्रेनिंग देता रहता है, बराबर मीटिंग देता रहता है, ये बड़ा जबरदस्त काम है। उसके बाद ये इनलीगल बिजनेस है, इसके लिए आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट सबके पास होना चाहिए, इससे कुछ बोलना नहीं है, डॉक्यूमेंट दिखाने का काम है। अब वो बोलेगा कुछ हमारे जानने वालों ने किया था और वो फेल हो गए। अरे मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग फेल होते हैं हर सिस्टम में। आईएएस में बहुत सारे लोग फेल हुए, उन लोगों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, आप फेल क्यों हुए, कंपनी कौन सी थी, प्रोडक्ट कौन सा था, ये आपको नहीं पता है। इसीलिए मेरे जानने वाले नेटसर्फ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल है, लेकिन उसके बावजूद नेटसर्फ में ऐसे भी लोग हैं जो पास है और जो करोड़पति है। हमें उनकी तरफ देखना चाहिए जो टॉपर है, या उनकी तरफ देखना चाहिए जो फेलियर है? ये आप उनको बताओ। क्लास में आप अपने बच्चे को किसका उदाहरण देते हो, जो टॉपर है उसका उदाहरण देते हो कि जो फेलियर है उसका उदाहरण देते हो? इस तरीके से आप उसके ऑब्जेक्शन को करोगे। और जॉब के साथ कर पाऊंगा क्या? अरे भाई साहब, ये तो बिल्कुल लाइफस्टाइल वाला वर्क है। आप सुबह 2 घंटे अपनी लिस्ट बना लो, शाम को अपन 2 घंटे निकल लेते हैं, या संडे संडे काम कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। कंपनी प्रचार क्यों नहीं करती? अब उनको बोलो, अब हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उन कंपनियों जैसी नहीं है जो प्रचार नहीं करती। हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अब प्रचार प्रसार भी करती है और आपको कमीशन भी बांट रही है। हमारे सैफ अली खान, करीना कपूर और कंपनी के माइल एम में अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है जो प्रचार प्रसार करते हैं। देखो, ऑब्जेक्शन आएगा ना तो अपॉर्चुनिटी आएगी। ऑब्जेक्शन को इरिटेट मत हो, उसके ऊपर हावी मत हो, उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए आप तैयार रहो। अभी उसका ऑब्जेक्शन अगर आपका क्लियर हुआ तो अब आप उसको कॉल करो, प्रोडक्ट वाइज, बिजनेस वाइज, रिलेशन वाइज, इमोशनल, फ्यूचर, अर्जेंसी, अदर जो रिजल्ट है उनके एग्जाम के बारे में आप कॉल करो। ये मेन चीजें हैं और यही चीजें मेन चीज होनी चाहिए। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ, ये सारी चीजों में जो आपका डैमेज करता है पूरे सिस्टम को, उसको देखो। सबसे पहले वन मैन आर्मी बन जाते हैं हम लोग। वन मैन आर्मी मतलब सारा काम हम ही करेंगे, सारी टीम में प्लान देने आप ही जा रहे हो, 1-to-1 करने, सेमिनार करने आप ही जा रहे हो। दूसरा, लूज टॉकिंग करते हो, आपको किसी दूसरी टीम का बंदा मिल जाता है तो क्रॉस लाइन के प्रोस्पेक्ट से आप कंपनी की धीरे से, अरे मेरे नीचे तो जुड़ने नहीं,
अपन ऐसे ही बात कर लेते हैं तो नेटसर्फ के प्रोडक्ट की बुराई, नेटसर्फ के प्लान की बुराई, बोले साहब इसमें तो सिमुलेशन है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें मैनेजर ऐसा करता है, वो अपलाइन ऐसा है, ये अपलाइन ऐसा है, लूज टॉकिंग बंद करना पड़ेगा। दूसरा सबसे पर कि आपके जो पुराने फेलियर हैं उनको बार बार रिकॉल मत करो। आपकी डाउनलाइन आपका बिजनेस पार्टनर है, और सबसे बड़ी बात आप अपने अचीवमेंट के लिए बिजनेस को होल्ड मत करो, वरना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस होल्ड किया मतलब एक बच्चे को जन्म देने से रोक लिया। आप बहुत ज्यादा झूठ बोल के प्रोस्पेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बात करो। दूसरा, अपलाइन की अर्निंग बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट, ये मत सोचो कि आपकी वजह से आपका अपलाइन कमा रहा है, और या फिर अपलाइन हो तो ऐसा मत सोचो कि आपकी वजह से डाउनलाइन कमा रहा है। ये सारी चीजें हैं, और शॉर्टकट मत अपनाओ अचीवमेंट के लिए कि आज अचीवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं एक बंदे को पकड़ा, 40% का ऑफर है, 1.5 लाख का टर्नओवर डलवा दिया। नहीं बॉस, आप उसको इस सिस्टम में ले आ रहे हो तो उसको सिस्टम से ले आओ, तभी लॉन्ग टर्म का बिजनेस करो। और जो प्रोस्पेक्ट है उस प्रोस्पेक्ट की क्षमता के अनुसार ही उसको ऑर्डर बुक करो। अगर वो बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है तो उसकी क्षमता आप डिसाइड करो, या बहुत छोटा प्रोस्पेक्ट है तो उस हिसाब से उसकी क्षमता का डिसाइड करो। बेसिक क्या है, स्पॉन्सर द पीपल बेटर देन यू, अपने से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो सागर की तलाश करो, खुद से बेहतर हमेशा तलाश करते रहिए, और प्री जज मत करिए। आपके सारे सवालों का जवाब आज मैंने दे दिया है। क्यों? भाग्य और किस्मत निर्भर करेगी आपके फॉलोअप सिस्टम में, आप कितना अच्छा फॉलोअप सिस्टम बनाते हो। क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप फॉलोअप सिस्टम बताया था, क्रिएट फॉलोअप सिस्टम, और यही पूरा सिस्टम आपको लेके जाएगा। आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपका अपलाइन है, डाउनलाइन है, आपके ऊपर के मेंटोर है, आपका मैनेजर है, आपके ओसीएम है, ये सब मिलके आपके साथ काम कर रहे हैं। इसलिए आपको ये पूरा सिस्टम जमाना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। 3 से 5 साल, पहले साल दूसरे साल क्या होता है, ये 3 से 5 साल में शुरू में इनकम कम आएगी, हो सकता है साल में 10,000 की इनकम हो और खर्चा 2 लाख का हो, मतलब 2 लाख रुपए नहीं, 2 लाख के बराबर की मेहनत का खर्चा, कि आप जो मेहनत कर रहे हो उससे आपको 2 लाख रुपए मिलना चाहिए लेकिन आपको 10,000 मिल रहा है, मायूस मत होइए। दूसरे साल आपको हो सकता है 10,000 से 50,000 की इनकम साल भर में हो, और आपने 1 लाख वाली मेहनत की हो, ठीक है, और उसके बाद 50,000 से 2 लाख रुपए की इनकम हो एक साल में, और आपने 50,000 वाली मेहनत की हो। आपको चौथे साल 2 से 25 लाख की इनकम होगी, 25,000 वाली मेहनत करोगे आप, जो महीने में 25,000 वाला करता है, और पांचवा साल 25 लाख से 2 करोड़ की इनकम होगी। ये चीज ध्यान रखो, क्या आप मोटिवेटेड होकर नेट सर्फ कर रहे हो या आप एजुकेट होकर नेट सर्फ कर रहे हो, ये दोनों चीज डिसाइड करो। मोटिवेटेड होकर नेट सर्फ करोगे 3 से 4 महीने नेट सर्फ छोड़ दोगे, अगर एजुकेट होकर करोगे तो 1 साल तक रहोगे, लेकिन अगर आप बिलीव करके सिस्टम को ज्वाइन करोगे तो आप इस नेट सर्फ से 1 करोड़ रुपया से ज्यादा की इनकम 3 साल में कमा लोगे। बिलीव क्या है, आप जब ऑब्जेक्शन आता है, तो जैसे मुझे एक आदमी मिला, बोले अवनीश जी आप इतना अच्छा बोलते हो यार, इतना अच्छा आपको नॉलेज है, आप खुद की कंपनी क्यों नहीं चला लेते, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आप खुद के प्रोडक्ट बनाओ, आप खुद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड डालो, आप एंटरप्रेन्योर बनो। अरे उसने मेरा दिमाग इतना खराब कर दिया कि मैं भी सोचने लगा कि मैं नेट सर्फ में सही हूं कि नहीं हूं। दोस्तों, ये बिलीव सिस्टम आप अगर डेवलप नहीं करोगे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय ये एक ऐसा नाग है, एक कोबरा है जो आपको ही डिमोट कर सकता है। इसलिए ऐसा बिलीव सिस्टम अपनाओ कि ये नेटसर्फ विश्व की सबसे नंबर वन कंपनी है। ये नेटसर्फ में 135 करोड़पति 81 लोग इसमें 16 लाख रुपए महीना कमाने वाले हैं। ये नेटसर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, और ये नेटसर्फ ही हमारा भविष्य बना सकती है। हम इफर्ट लगा रहे हैं, केवल एजुकेट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, और अपने अपलाइन पर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ मरते दम तक रहेगा। आर यू बिलीव इन योर अपलाइन, आर यू बिलीव इन सिस्टम, आर यू एजुकेटेड या आप मोटिवेटेड हो, इससे मायने नहीं रखता। आपका बिलीव सिस्टम और आपके अपलाइन का बिलीव सिस्टम कितना मजबूत है ये निर्भर करेगा। क्योंकि चार टाइप के लोग होंगे, एक जिनके पास जॉब नहीं है वो आपको मिलेंगे, कोई 9 से 5 जॉब कर रहा है, इनके पास टाइम है पर मनी नहीं है, इन 9 से 5 जॉब करने वाले के पास टाइम और ट्रेवल नहीं कर सकता, मनी है।
सेल्फ एम्प्लॉयड, ट्रेवल और मनी है, और बिजनेस ओनर जो आप हो, जिसके पास टाइम भी है, ट्रेवल भी है और मनी भी है। क्यों? क्योंकि आप ही मेन चीज हो, और इस चीज के लिए कोई उम्र नहीं होती बिजनेस करने की। जो 35 साल की उम्र में इन्होंने व्हाट्सएप शुरू किया, कोको कोला 41 साल की उम्र में, अगर मैं बात करूं तो अपने 62 साल की उम्र में KFC शुरू किया, ये उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। ये पैसों को जमा करके रख के पैसों को आराम मत दीजिए, पैसों को इन्वेस्ट करिए, टाइम को इन्वेस्ट करिए, यही मेन चीज है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बिल ब्रिट की, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, 900 लोगों ने मना कर दिया था, हां कहने वाले 300 लोग थे, सिर्फ 85 लोगों ने आईडी लगाई थी, कुछ कार्यवाही किया था, 85 में से 35 ही काम के प्रति संजीदा थे, और उनमें से सिर्फ 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। यदि आप भी इतना धैर्यवान हो, अपने लक्ष्य के प्रति इतने निष्ठावान हो, तो ऐसी सफलता आपके चरण चूमेगी। क्योंकि मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूं, नेटसर्व का नेचुरल प्रोडक्ट, नेटसर्व के इथिकल कंपनी, नेटसर्व का ट्रांसपेरेंट बिजनेस, नेटसर्व का स्ट्रांग फाइनेंस, नेटसर्व का यूनिक बिजनेस प्लान, नेटसर्व का रिटेल प्रॉफिट और नेटसर्व का फैमिली प्रोटेक्शन प्लान आपको सफल जरूर बनाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने प्रोग्राम बड़े धैर्य के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ देखा है। इसका यूट्यूब लिंक भी है आपके पास, और इस यूट्यूब लिंक के माध्यम से आप इसको बार बार देख सकते हो। और